राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ ये बहुत ही शानदार और एक गजब का टॉपिक सभी किसान भाइयों के लिए होने वाला है। जैसा कि मैंने अभी लगभग 2 से लेकर 3 दिन के पहले एक वीडियो बना करके आपको दी थी कि गेहूं की जो टिलरिंग है, जो उसके कल्ले हैं, उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो के अंदर जो हमारी सरसों है, आप इस समय पर देख पा रहे हैं जो सरसों है, इसके अंदर हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, दानों की संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, जो इनकी ब्रांचेज आएंगी, जो इनकी टहनी आएंगी, इन टहनियों की संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इनका जो झाड़ है, ये पेड़ किस तरीके से बड़ा किया जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा पेड़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा टहनी आएंगी, उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फलियाँ आएंगी और उतने ज़्यादा दाने बनेंगे। तो फलियों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, दानों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ दाना जितना ज़्यादा मोटा आएगा, जितना ज़्यादा चमकीला आएगा, उतनी ज़्यादा पैदावार जो है किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आज मैं आपको 3 ऐसे स्प्रे बताने वाला हूँ। इन तीनों स्प्रे को यदि आप लगभग 150 से लेकर के 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के अंदर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 या 4 स्प्रे करने हैं, अगर आप 1 स्प्रे भी कर देते हैं तो किसान भैया मैं आपको बताना चाहूँगा एक गजब की एक शानदार पैदावार जो आपकी सरसों की फसल होगी वो आपको निकाल करके दे सकती है। तो कौन कौन से ये स्प्रे होने वाले हैं, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस स्प्रे का उपयोग कर लेते हैं तो जो हमारी सरसों की फसल होगी इसके अंदर जो तेल की प्रतिशतता होगी वो भी लगभग आपको 41 से लेकर 42% के आसपास तक तेल की प्रतिशतता आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी पैदावार में लगभग लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले वर्ष के मुकाबले जो आपने अब तक सरसों की बुआई की है, जो आपने अब तक सरसों की खेती की है, उसके मुकाबले 15 से लेकर 20% तक की एक अधिक पैदावार किसान भाइयों आप अपनी फसल से निकाल पाएंगे। हमारी सरसों की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी खाद होती हैं वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ किसान भाइयों जो जिंक होती है, जिंक का भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक सल्फर तो हमारी सरसों के फसल के लिए ऐसे मान लीजिए कि रामबाण औषधि की तरह सरसों की फसल के अंदर सल्फर काम करती है। तो इन्हीं सब का जो हमें मिक्सचर है वो अपनी सरसों की फसल के अंदर उपयोग में लाना है। तो कौन कौन से स्प्रे किस किस ढंग से आपको लगाने हैं, क्या पानी से पहले आपको स्प्रे करना है या पानी देने के बाद करना है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको उपयोग में लाना है, आपको उपयोग में लाना है NPK 18 18 18, जो ये किसान भाई हमारे इफ़को का खाद होता है, जिसके अंदर आपको 6.7% के आसपास सल्फर भी देखने को मिल जाती है। यानी कि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिल गया, फास्फोरस भी मिल गया, पोटास भी मिल गया और साथ में किसान भाइयों सल्फर की मात्रा भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो एक स्प्रे तो किसान भाइयों हमारा ये हो जाता है। इसके अलावा 2 स्प्रे आपको और लेने हैं। पहले मैं इसके फायदे के बारे में आपको बता दूं, यदि आप इस स्प्रे का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं तो फसल के ऊपर लगातार चमक बनी रहेगी, जो दानों की संख्या होगी दानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और तेल की प्रतिशतता भी किसान भाइयों इससे काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ करके आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी जो मात्रा आप लेंगे, यानी कि NPK 18 18 18 जो हमारा सल्फर युक्त खाद होता है, जो इफ़को कंपनी का आ रहा है, इसकी मात्रा आप 1 किलो 200 ग्राम आपको लेनी है। ये प्रति एकड़ की बात किसान भाइयों बता रहा हूँ, ऐसा ना करें कि 3 बीघे 4 बीघे या फिर 2 एकड़ के अंदर आप इतनी मात्रा उपयोग में लाएं। तो 1 एकड़ की मात्रा है तो 1 एकड़ में ही किसान भाइयों आपको इसका उपयोग करना है। यहाँ पर जो पानी की मात्रा आपको लेनी है, पानी की मात्रा आप लेंगे 150 से लेकर के 170 लीटर या फिर 180 लीटर, इससे ऊपर पानी की मात्रा बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। बात करते हैं दूसरे स्प्रे के बारे में कि दूसरा कौन सा ऐसा स्प्रे है जो हमारी सरसों की फसल की बढ़वार में भी मदद करे और इसके अंदर जो पैदावार है वो भी हमें बढ़ करके मिले। तो इसके लिए किसान भाइयों आप इफ़को कंपनी की ले सकते हैं सागरिका। इफ़को कंपनी की जो सागरिका आप लेंगे, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 350 ml से लेकर के 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप सागरिका की मात्रा भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो इससे भी जो आपकी पैदावार होगी उसमें किसान भाइयों 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि सागरिका के अंदर लगभग लगभग किसान भाइयों बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चले हुए हैं, बहुत सारे शैवालों का जो है ये एक जूस है, जो किसान भाइयों हमारी फसल की पैदावार में, हमारे सरसों की खेती में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो इसकी मात्रा आप 350 से लेकर के 400 ml के रूप में लेना है। इनके साथ साथ जो हमारा तीसरा स्प्रे किसान भाइयों आपको इसके अंदर मिक्स करना है यूरिया। जो हमारा यूरिया 46% में आता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको सिर्फ 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 300 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा आप न लें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा लेंगे तो इससे हमारी जो सरसों है वो किसान भाइयों
सूख भी सकती है, इससे वो जल भी सकती है। तो इसकी मात्रा आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। तो इस तरीके से टोटल ये तीन स्प्रे आपके पास हो जाते हैं। 150 से लेके 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे करेंगे, बिंदास रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिंचाई से पहले स्प्रे करें या सिंचाई के बात करें। तो पहले आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है। आज आप सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब आपको लगे कि आपके खेत के अंदर आपके पैर बैठने बंद हो गए हैं, उस समय पर आप पहुंच करके इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करेंगे, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज का आपको और ध्यान देना है, स्प्रे जो आपको करना है, स्प्रे करने का सही समय क्या है, उपयुक्त समय क्या है। तो किसानों, बिल्कुल सुबह भी आपको स्प्रे नहीं करना है, बिल्कुल शाम को भी आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उस समय पर जो है अच्छा जो स्प्रे है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है उसके ऊपर ओस की बूंदें काफी रहती हैं, तो हमारा जो स्प्रे है वो नीचे छिटक जाएगा। तो कोशिश करें लगभग दोपहर में 11 बजे से लगा करके 3 बजे के आसपास तक यदि आप सरसों की फसल के ऊपर इस स्प्रे को कर लेते हैं तो ये काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से एक बिंदास रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे पाएगा। तो इस स्प्रे का उपयोग करें और अपनी पैदावार को 15 से लेकर 20% तक किसान भाइयों बढ़ाएं। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।